ये है कृष्ण जी के हाथ के चिन्ह, कृष्ण जी के हाथ के चिन्ह है ना ये, ये है कान्हा जी के हाथ के चिन्ह। ये दान गली है, ठाकुर जी या गोपियों से रोक के दान लेते हैं, दस गली में थोड़ा रोकना पड़ता है। बैकुंठ धाम को छोड़ के श्री कृष्ण या गोपियों से दान लेते हैं आप खड़े हो? राम से राम से। और यही दान के खातिर में छोड़े आप बैकुंठ धाम? तो गोपी कह रही है महाराज किस बात का आप जानते, आराम भी दान दान कर राखो मोहन नायरे रद्दी किनकी छाछ हमारी जो पी बैगो टहल कर सब पैर मत रख। तो यहाँ के उनकी मटकी को गिरा दिया ये जो स्थान है। अच्छा यहाँ पे उनकी मटकी को गिरा गया था। हाँ सुन के देखो, दूध दही माखन की आज भी आपको खुशबू आएगी और दान करने से जो आप मांगोगे मनोकामना सिद्ध होगी। अच्छा यहाँ दूध दही मैंने सूंघने से दूध दही माखन की खुशबू आती है यहाँ से खुशबू। आप श्री राधा सरोवर के दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूँ दान गली। दान गली वही जगह है जहाँ पे कृष्ण जी ने गोपियों की दूध दही की मटकियों को तोड़ा था और गोपियों से दान मांगा था। ये बरसाना की गलियाँ, बरसाना की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं। कुआं बना हुआ है, काफ़ी गहरा कुआं। आधा घंटा घूमने के बाद बरसाने की गलियों में हम पहुंच चुके साकरी खोर। तो अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ साकरी खोर के। यह है साकरी खोर बरसाना। हम लोग पहुंच चुके साकरी खोर। सामने जो दो पहाड़ हैं, एक तरफ राधा रानी का पहाड़ है, दूसरी तरफ है कृष्ण जी का पहाड़। यह स्थानशील नारायण भट्ट द्वारा चिन्हित किया गया था। मान्यता यह है कि करीबन 5,500 साल पहले श्री कृष्ण ने यहीं पर गोपियों से दान मांगा था। सामने ये जो दो पहाड़ नजर आ रहे हैं, इसमें जो लेफ्ट साइड में है वो राधा जी का पहाड़ है और जो राइट साइड में है वो श्री कृष्ण जी का पहाड़ है। राधा रानी की छठी पूजन के दौरान सांकरी खोर में मटकी लीला का आयोजन किया जाता है। दान न देने पर छीना चपटी में कृष्ण ने राधा की दही से भरी हुई मटकी को फोड़ दिया था। श्रद्धालु दान गली से दर्शन करके ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ये गली इतनी पतली है कि इसमें से एक टाइम पे एक ही आदमी आ सकता है और पत्थरों को पकड़ पकड़ के नीचे की तरफ आना होता है या ऊपर की तरफ जाना होता है। बिल्कुल पथरीला ये रास्ता है। नीचे यात्रियों के बैठने के लिए, विश्राम के लिए छोटी सी जगह बनाई गई है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हो। सांकरी खोर में दही से भरी मटकी फोड़ने का आयोजन किया जाता है जिसमें श्रद्धालु एक दूसरे को धक्का देकर प्रसाद लूटते हैं। दानगली में ऊपर की तरफ जाने से पहले आपको इसके आसपास का खूबसूरत सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटी सी गोपियाँ हैं जो यहाँ पर नाच रही हैं। बिल्कुल शांति का माहौल है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। नीचे विश्राम करते हुए हमें कान्हा जी की गोपियाँ हैं, जो एक गोपी थी जो हमें नाच के दिखा रही थी। यह है दान गली जिसका बिल्कुल पथरीला रास्ता है। इसके लेफ्ट साइड में राधा रानी का पहाड़ है जो सफेद रंग का है और राइट साइड में ठाकुर जी का पहाड़ है जो काले रंग का है। ठाकुर जी के पहाड़ को पकड़ते हुए मैं ऊपर दान गली में जा रहा हूँ। ये जो चल रहे हैं हम, ये पूरी की पूरी दान गली है। श्री कृष्ण ने यहीं पर गोपियों से दान मांगा था। राधा रानी की प्रिय की चित्रा के गांव चिक्षोली व मानपुर के घर घर में माखन चोरी करने के बाद श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ सांकरी सखियों को मार्ग रोक कर उनसे दूध दही का दान मांगा। फोन को ये चक्कर में फोन को सड़ते ही आया था बंदर। ये है कृष्ण जी के हाथ के चिन्ह, कृष्ण जी के हाथ के चिन्ह है ना ये है कान्हा जी के हाथ के चिन्ह। ये दोनों हाथ
ऐसे लगे थे कान्हा जी के। अच्छा ऐसे दोनों हाथ एक साथ लगाए थे तो कृष्ण जी के निशान है, और वहाँ से कृष्ण जी उधर से कूदे थे, ऊपर से कूदे थे यहाँ पे नीचे भाग रहे थे, भाग रहे थे, गोपियाँ पीछे लगी थी, भाग रहे थे गोपियाँ। ये कृष्ण जी का पहाड़ है ना, ये है राधा जी का, ये है कृष्ण जी का, ये है कृष्ण जी का पहाड़ और ये राधा जी का, और ये इसके साथ में है राधा जी का पहाड़ जिसपे कृष्ण जी के हाथों के चिन्ह है, जिसपे निशान है कृष्ण जी के हाथों के। ले 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 लूट लो, लो। देखा कितने चालू हैं, चालू हैं। अभी आपने मेरे पीछे देखा है कृष्ण जी के चिन्ह, कृष्ण जी के हाथों के चिन्ह, दोनों हाथ उनके लगे थे जिसे निशान हो गए थे उस टाइम पे। तो ये जो है मेरे पीछे ये है राधा रानी का पहाड़, और ये पीछे वाला जो है ये है कृष्ण जी का पहाड़। वैकुंठ धाम को छोड़ के श्री कृष्ण या गोपियों से दान लेते हैं आप खड़े हो, श्री कृष्ण या गोपियों से दान लेते थे, सामने भगवान का बैठक है, ये सामने आपको दिखाई देता है। अच्छा हाँ, तो वहाँ से जो पीछे यहाँ से श्री जी आती थी, यहाँ से श्री जी आती थी, वहाँ से पीछे कृष्ण जी आते थे। और यही दान के खातिर में छोड़ा वैकुंठ धाम, तो गोपी कह रही है महाराज किस्मत का आप दान देते आराम से बैठे दान दान कर राखो मोहन नायरे रद्दी किनकी छाछ हमारी जो पी बैग टेल करे सब पैर मत रख दी तो वहां पे ऐसे आपको दान नहीं दे सकते। वो फिर राधा रानी कह रही है ग्वाल वालों से, तो यहाँ के उनकी मटकी को गिरा दी है, ये जो स्थान है। अच्छा यहाँ पे उनकी मटकी को गिरा गया था। हाँ सुन के देखो, दूध दही माखन की आज भी आपको खुशबू आएगी, और दान करने से जो आप मांगोगे मनोकामना सिद्ध हो। अच्छा यहाँ दूध दही सूंघने से दूध दही माखन की खुशबू आती है यहाँ से, खुशबू आप अनुभव करो नहीं, आप पढ़े लिखे हो महाराज। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, दूध दही और माखन की खुशबू आज भी यहाँ से आ रही है, जो यहाँ अनुभव करोगे वो काम भी आपका सिद्ध होगा, आप अनुभव कर लो ठीक है। तो दुनिया देती है पर यहाँ अनुभव करके जाओ, तुमसे फिर मेरे से मिले। हाँ यहाँ एक ही आदमी जाता है इस गली से, और मनोकामना सिद्ध होती है अधिक महीना, इसलिए मैंने कहा बन जा दो बस दान की सेवा कर लो, नहीं तो राधे राधे। ये दान गली है, ठाकुर जी यहाँ गोपियों से रोक के दान लेते थे, बस गली में थोड़ा रोकना पड़ता है। मेरे पीछे जो है दान गली है जहाँ गोपियों की मटकी तोड़ी गई थी, वो पत्थर से मैंने आपको दिखाया, और अभी भी खुशबू ऐसे आती है मक्खन की। हाँ यह कृष्ण जी का पहाड़, वहाँ पे कृष्ण जी बैठते थे, ये है राधा जी का, यहाँ से राधा जी आती थी, ये राधा जी का पहाड़ है, और ये बीच में यह है दान गली। दान गली के दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे की तरफ आए जहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और दान गली की कृष्ण जी की शांकरी कौर की काफ़ी सारी लीला यहाँ पे लिखी गई है, जिन्हें आप आराम से बैठ के वहाँ पे पढ़ सकते हो। शांकरी खोर दान गली और कृष्ण जी की लीलाओं के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस राजा जयपुर मंदिर की तरफ। जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ये रास्ता काफ़ी पथरीला है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ी रास्ते से हम लोग जाएंगे। रास्ता काफ़ी पथरीला है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो पैरों में भी लग रहे हैं। लिन कहते हैं जिसने राधा रानी का हाथ पकड़ लिया, राधा रानी ने जिसका हाथ पकड़ लिया उसके लिए क्या पत्थर क्या कांटे, राधे राधे जपते जाओ आगे बढ़ते जाओ। हाँ चारों तरफ काफ़ी सारे वृक्ष और बहुत ही सुंदर वन बना हुआ है। ये जो रास्ता है ये मोरकुटी से नीचे की तरफ और जयपुर मंदिर के नीचे की तरफ ये रास्ता बना हुआ है। चलते। इस वन से जब हम लोग जयपुर मंदिर की तरफ जा रहे थे नीचे से, तो हमें रास्ते में मोर मोरनी का एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा दिखाई पड़ा।
जिसे देखकर मुझे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साक्षात दर्शन हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।